हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने बताया है। आप एक बार देख लीजिए, देखने के बाद आपको बिल्कुल भी इसके लिए डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोयम माई मदर एट 66 कम्पोज बाई कमला दास, मतलब इसकी जो कवित्री हैं, पोइटेस हैं, उनका नाम है कमला दास। तो ये सबसे फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता चल पाए कि आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है, क्योंकि पोइटेस का नाम लिखने से ये पता चल जाता है कि हाँ, इस पोएम के बारे में सामने वाले बच्चे को पता है। अब इसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे। दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइटेस। ये जो पोयम है ये शो करता है अपनी माँ को खो देने का एक जो डर है कवित्री के मन में उसको। बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उसकी जो मम्मी है, उसकी जो माँ है पोइटेस की, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बूढ़ी हो गई हैं। इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही जल्दी, वो उन्हें ऐसा डर है कवित्री के मन में, ये एक डर बैठ गया है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, तो वो बहुत ही जल्दी चली जाएंगी दुनिया छोड़कर। पोइटिस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, उसका जो मन है, जो मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर गई है ये सोचकर कि उसकी मम्मी बहुत ही जल्द अब चली जाएंगी उसे छोड़कर। टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट शी लुक आउटसाइड ऑफ द कार। ये इस डर को, इस निगेटिविटी को अपने मन से, जो सोच है इसे निकालने के लिए वो कार के बाहर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ फुल ऑफ जॉय, बाहर की जो दुनिया है वो खुशियों से भरी हुई है, वहाँ चारों ओर खुशहाली है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो मतलब पेड़ हैं, जो छोटे छोटे, जो नए नए पेड़ हैं छोटे छोटे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी भाग रहे थे। जब हम कार में होते हैं और बाहर देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें भागती हुई नजर आती है, तो वैसा ही समझ लीजिए। चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट, दे हैड अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट के बाहर जब वो देखती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब बाहर की जो दुनिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होती है, ये आपको बताना है। जब वो बाहर देखती है तो उसके, तो ताकि उसका मतलब वो, जब वो अंदर से थोड़ी खुश होती है, इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल पाती है कि जो, जिस वजह से वो डरी हुई है कि उसकी मम्मी उसे बहुत जल्दी छोड़कर जाने वाली है। द पोइटेस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, थोड़ी दूर अपने मम्मी से खड़ी होती है। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, शी बिकम्स वेरी सैड बट शी हाइड्स हर फीलिंग एंड सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा। मतलब वो अपनी मम्मी के चेहरे पे वही, मतलब एक उदासी सी, एक मतलब बेरंग सा उसको अपनी माँ का फेस लगता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती है फिर से, बट वो फिर भी अपनी इस मतलब अपने इस दुख को छुपा लेती है। सी हाइड्स हर फीलिंग एंड सैड, और अपनी मम्मी को कहती है सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने मन में इस चीज़ को सोचिए, और सोच के हम इसे लिख सकते हैं कि वो उस अपनी मम्मी को बूढ़ी, उस बहुत ज़्यादा जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, जब माँ बहुत उसकी बूढ़ी हो गई है, तो उसे देख के जो उसके अंदर डर समाया है, ये मतलब उस डर को सोचते हुए उसके, मतलब उसने अपनी ये कविता लिखी है। तो सेंट्रल ऑफ द आइडिया इस जो पोयम है उसका यही है कि 66 की एज में जब उसकी माँ हो गई है 66 एज की, तो उसे जो डर अंदर बैठा हुआ है कि मेरी मम्मी अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, अब वो मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाएं जल्दी, तो इस टाइप का जो डर समाया हुआ है यही इसका पूरा सेंट्रल आइडिया है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इसे इजिली लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पूरे मार्क्स मिले, और थोड़ा सा बड़ा लिखेगा, जितना वर्ड लिमिट लिखा रहता है उतना लिखना होता है, अगर नहीं भी तो भी हमको सारी चीज़ें बतानी होती है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।